हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कल का दिन हमारा बहुत अच्छा गया था। दिन क्या, रात भी, क्योंकि रात को हम इतनी देर तक गप्पे मारते रहे। 2 बज गया था हमें गप्पे मारते मारते, वही बस बचपन की गप्पे हमारी। हम ये करते थे, वो करते थे, एक दूसरे के टांग खींच रहे थे, तो सोते सोते हमें 2 बज गया था रात का। बट कल हमने बहुत इंजॉय करा। कल ना वेदर भी यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि यहाँ बारिश हुई बहुत ज़्यादा और मौसम एकदम से ठंडा हो गया था। खूब रजाइयों में घुस के मज़े से गप्पे चली हुई थी। तो रात के सोते सोते हमें 2 बज गया था। मैं तो सुबह लेट ही उठी थी, 10 ही बज गए थे। मैं और शैनिश आराम से उठे थे, क्योंकि शैनिश को मेडिसिन दे रखी थी, वो उसको रह रहा था कि हाँ मुझे और सोना है, तो मैंने सोचा मैं भी साथ में सोई रहती हूँ। एक तो मौसम ऐसा था ना यहाँ पे, एकदम से कोजी कोजी था। तो बस आज हम सोच रहे हैं, आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। अरे रहने दो, और रहने दो, ये तो वो लग रहा है ऐसी। हाँ अभी जब आपकी शादी को 50 साल हो जाएंगे, फिर हम काफी बड़ा फंक्शन कर रहे हैं। हाँ, उस टाइम बहुत बड़ा फंक्शन करना है। ठीक है, अभी कितने साल हुए? 38। वाह वाह, 50 साल। हाँ जी, नहीं अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बना रहे हैं, फिर लेंगे फोटो। खा रहे हैं, फोटो तो इकट्ठी ले लेंगे। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी। अब मैं फोटो ले लेता हूँ। ये कौन है? ये छोटा बीबी कौन है? उनका नाम क्या है? डैडी। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने रखा आपका ये नाम? माही। माही माही भी अच्छा, वेरी गुड। ये मेरा बूजी का लड्डू है, ये मेरा बूजी का लड्डू है, ये लो। ये बुजी ने क्या दिया मम्मी के लिए? ड्रेस। वाओ, पीच कलर। ये तो मुझे बर्थडे गिफ्ट है। अच्छा, थैंक यू मम्मा। कहां है ये? ये मिठाई तो मुझे यहाँ मिठाई डब्बा तुम्हारे सामने मैं चल खाने जो पसंद नहीं था। नहीं नहीं बेटा, बेबी बॉय। मुबारक है भाई, बहुत बहुत। ये तो काम करने के लिए मजे, काम ना करने के लिए मजे हो जाते हैं, क्योंकि मम्मी भी करते रहते हैं, भाभी करती रहती है, तो मैं करती हूँ। तो हमने सोचा कि चलो आप थोड़ा बाहर घूम के आ जाते हैं, इसलिए हम तफरी मारने के लिए आ गए बाहर। क्या नाम है इस जगह का? भीड़ा। हाँ, भीड़ा बोलते हैं। एक्चुअली क्या था ना, भाई ने गाड़ी दे रखी है वो सर्विस के लिए ना, तो वो ले लिए। अच्छा, बूजी का मीठा मैंगो का है ये है मीठा मैंगो बूजी का, बहुत मीठा है। क्या प्रोग्राम है? घूमने का प्रोग्राम है, कहीं बैठना है यार? आप बताओ, मतलब यहाँ की बेस्ट जगह है? मैं तो नया हूँ इधर। क्या चीज़ घूम सकते मैडम जी, बेस्ट जगह यहाँ घूमने के लिए? क्या है शिवानी घूमने के लिए? हीरानगर, हीरानगर चिल्ड्रन पार्क है। चिल्ड्रन पार्क वहाँ पे ये झूला वगैरह भी है, स्लाइड्स वगैरह है, और ऐसे पार्क है। चलो वहीं चल, बच्चे वाले हो गए हैं तो। हीरानगर में सूरज वाला सही है, वहाँ पे वो डोसा वगैरह वही है। डांग वाली से चढ़ के ऊपर हीरानगर ना, वहीं से उतर के फिर सूरज है। ठीक है, तो वो था बट थोड़ा सा हो रहा था इसका, मतलब मैंने कहा चलो ले लेते हैं दवाई ये सब कुछ। हाँ ठीक है, आज एनिवर्सरी है आज।
जरूरी है गाड़ी चलानी है। गाड़ी चलानी है कहीं गाड़ी चलानी है। ये वाला पैलेस है जहाँ से हमारी शादी हुई थी, बसंत रिजॉर्ट। आज भी किसी की शादी है हिमाचल में रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। दो ही जगह पसंद आई है, एक पालमपुर और एक ये हमीरपुर वाले। और आप अगर इसमें ना कभी टमाटर प्याज और हरी मिर्च, एक और मॉल भी है इधर विशाल मॉल से तो मैं परेशान हूँ। ये तो है टमाटर प्याज और हरी मिर्च गल गई ना। कुरकुरे में टमाटर प्याज और एक वो भी कर सकते हो जैसे लेमन का तड़का, मैगी है ना, मैगी मैगी को फ्राई करना, उसमें रोस्ट करना ऑयल में और या बटर में, उसके बाद जो है उसमें फिर टमाटर प्याज और हरी मिर्च। जहाँ पे बियर वियर सर्व होती है। हाँ चमन जी है, है? अमीर जो होटल है ना लगी है, बार है उसमें। आप ड्रिंक करते भी है? नहीं चमन जी, मैंने बिल्कुल ही बंद है। झूला झूलना है माही आपको, वेरी गुड। आपको भी झूला झूलना है? हाँ जी, शैनिश और मैं भी झूला झूलेंगे आज। ये भी अच्छा है मतलब रहने के लिए ना, हीरानगर ये वाला एरिया। अरे बढ़िया है, बढ़िया रेट भी तगड़ी है। हाँ यहाँ जैसे अरे घर के लिए है बस, पीसफुल एरिया कोई नहीं। यहाँ पे कितने रुपए कनाल होगी, मतलब वो कितने रुपए मरल? यही समझ जी, डेढ़ दो दो तक, डेढ़ तक दो, डेढ़ तीन तीन तक नहीं नहीं इधर डेढ़ या दो ही चले। इसमें पता क्या पंगा है, कुछ लैंड जो है वो गवर्नमेंट की है, कुछ लैंड जो लोगों की है, अब जिसने कब्जा करके रखा हुआ है अच्छा वो बेच देते हैं और बाद में डिस्प्यूटेड रहते हैं। यहां है वो स्कूल जहां हम पढ़ते थे, हिम अकेडमी। हिम अकेडमी ये गया रोड में, बताती हूं। ये गया ये वाला यहां से, ये अच्छा पैदल आते थे हम नीचे से। हम आ गए हैं आज चिल्ड्रन पार्क्स में, हीरानगर हमीरपुर की वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। वन ऑफ द क्या, बेस्ट ही होगी मेरे ख्याल से। ये जो पार्क है वो हमीरपुर में हीरानगर एक जगह है, उसमें वन विहार है इस बनाया हुआ। ठीक है, बच्चों के लिए भी सही है, घूमने फिरने के लिए भी अच्छी जगह है ये सारे। मतलब यहाँ पे जितने भी मतलब जो नवग्रह की पूजा के लिए जो पेड़ों के जो पत्ते चाहिए होते हैं ना, वो सारे पेड़ लगे हैं यहाँ पे। पेड़ों के पत्ते, पेड़ नहीं, पेड़ कैसे उखाड़ के लेके जाएंगे, पेड़ों के पत्ते चाहिए होते हैं ना। तो ये जो मतलब गार्डन है इसे नवग्रह वाटिका भी बोलते हैं। इसमें आपको तरह तरह के पेड़ मिल जाएंगे। अच्छा है, क्यूट सा बना रखा है बच्चों के लिए, घूमने के लिए सही है।
ऐसे थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। पता ये वो जगह है जहाँ पे ना मेरे इन लॉज मुझे फर्स्ट टाइम देखने के लिए आए थे, तो यहीं पे सबने लंच वगैरह किया। तो किसी का बर्थडे एक महीने में तो आ ही रहा है, हमने क्या करना है कि हम गिफ्ट नहीं देते थे, कॉन्ट्री करते थे कि हाँ ठीक है, जैसे मान लो अगर नौ फ्रेंड्स हो गए तो हर कोई 1000 रुपीज़ देगा, और फिर जो हम ऐसी जो है कोई क्लब वगैरह बुक कर लेते, 4-5 घंटे के लिए क्लब बुक हो जाता था, अनलिमिटेड दारू, अनलिमिटेड खाना, बस।